बॉलीवुड की सबसे ज्यादा शादी करने वाली टॉप 10 हीरोइनें नंबर 1 तो सबसे बड़ी पॉलिटिशियन रही हैं। नंबर 10 नीलम कोठारी। हर किसी को अपना पहला प्यार ही सच्चा प्यार मिल जाए ऐसा होता नहीं है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस रही नीलम कोठारी को भी इनका प्यार दूसरी शादी से मिला। 80s और 90s की पॉपुलर एक्ट्रेस नीलम कोठारी के पास शादी के प्रपोजल की तो कोई कमी नहीं थी, पर इनका दिल आया ऋषि सेठिया पर, जो कि एक यूके के बिजनेसमैन के रईस बेटे थे। इन्होंने ऋषि से साल 2000 में बैंकॉक में बड़े ही धूमधाम से शादी रचाई, पर दोनों की शादी में वो बात नहीं रही जिससे नीलम खुश रह सके। बस इसी सब के चलते शादी बहुत लंबी चल नहीं सकी और दोनों के बीच डिवोर्स हो गया। डिवोर्स के बाद साल 2011 में नीलम ने एक्टर समीर सोनी से शादी रचाई और 2 साल बाद दोनों ने एक बच्चे को अडॉप्ट भी किया, जिसे ये कपल अहाना नाम से बुलाते हैं। फिलहाल दोनों के बीच कमाल की अंडरस्टैंडिंग और केमिस्ट्री देखने को मिलती है। नंबर 9 तनाज ईरानी। फिल्म और टेलीविजन शोज में काम कर चुकी तनाज ईरानी आपके लिए डेफिनेटली कोई नया नाम नहीं होगा। आप में से बहुत लोग अगर इन्हें नाम से नहीं जानते हैं तो चेहरे से तो बेशक पहचानते होंगे यार, पर इनके साथ भी एक अनसक्सेसफुल मैरिज का टैग लगा हुआ है। जी हाँ, तनाज की पहली शादी लंबे समय तक नहीं चली। हालांकि इनकी पहली शादी शेखर गुप्ता से काफी कम उम्र में ही कर दी गई थी, जिसके चलते उन्होंने केवल 20 साल की उम्र में ही अपने बेटी को जन्म दिया और खराब बॉन्डिंग के चलते दोनों का डिवोर्स हो गया और तनाज ने एक्टिंग की दुनिया में काम करना शुरू किया। और इसी दौरान एक्ट्रेस की मुलाकात एक्टर बख्तियार ईरानी से हुई, जहां दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया और फिर कुछ समय बाद शादी कर ली और अब दोनों के 2 बड़े बड़े प्यारे बच्चे हैं। तनाज की पहली बेटी आज भी उनके एक्स हस्बैंड के साथ रहती है। नंबर 8 शेफाली शाह। दिल्ली क्राइम में पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाने वाली शेफाली शाह की एक्टिंग स्किल्स को तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। इन्हें अपनी कमाल की एक्टिंग के चलते कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। फिल्मों की बात करें तो इन्होंने हाल ही में डार्लिंग्स मूवी में आलिया भट्ट की मां का किरदार निभाया है, जो कि लाजवाब है। प्रोफेशनल लाइफ तो इनकी हिट है, पर पर्सनल लाइफ में ना। शेफाली को कई अप एंड डाउन्स देखने को मिले हैं, जिसमें इनकी पहली शादी अनसक्सेसफुल रही। इन्होंने पहली शादी जाने माने टीवी एक्टर हर्ष छाया से की, जो कि लंबे समय तक नहीं चल सकी। हालांकि दोनों की शादी एक नोट पर खत्म नहीं हुई, लेकिन शेफाली ने इन सब से मूव ऑन किया और अपना पूरा फोकस अपने करियर पर लगा दिया। लेकिन प्यार अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है, इनकी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हुआ। एक समय ऐसा भी आया जब शेफाली को विपुल अमृतलाल शाह से प्यार हो गया, और जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है, जिसके बाद दोनों ने दिसंबर 2016 में। नंबर 7 दीपिका कक्कड़। कभी संस्कारी बहू तो कभी बेटी का किरदार निभाने वाली और सभी को लुभाने वाली दीपिका कक्कड़ का नाम भी इस लिस्ट में आता है। दीपिका कक्कड़ टेलीविजन दुनिया का एक जाना माना नाम है, जो बिग बॉस की विनर भी रही हैं। बिग बॉस से याद आया कि उन्होंने इस शो की शुरुआत में ही अपनी पहली मैरिज के बारे में बात करते हुए सभी को बताया था। हालांकि दीपिका की पहली शादी बहुत बुरी तरह से टूट गई। इनकी जिंदगी में फिर से खुशियों के रंग लेकर आए शोएब इब्राहिम, जो टीवी शो ससुराल सिमर का में दीपिका के को स्टार थे। शोएब ने दीपिका की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। दोनों साथ में काफी खुश थे, जिस वजह से बहुत सोचने समझने के बाद दीपिका दूसरी शादी के लिए तैयार हुई। वैसे आपको बता दें कि इनकी पहली शादी रौनक सैमसन से हुई थी, जिससे इन्होंने बहुत जल्दी डिवोर्स भी ले लिया। डिवोर्स का मेन कारण था दोनों के बीच नोकझोंक। फिलहाल तो दीपिका शोएब के साथ काफी खुश है। नंबर 6 अश्विनी कलसेकर। अपनी कड़क आवाज, सॉलिड पर्सनालिटी और कमाल की एक्टिंग के लिए जानी जाने वाली अश्विनी कलसेकर ने भी एक नहीं बल्कि 2 बार शादी की है। तमाम टीवी सीरियल और मूवीज में काम कर चुकी अश्विनी को आपने हाल ही में भूल भुलैया 2 में जरूर देखा होगा, जहां इनका फनी अंदाज देखने को मिला। और बात अगर इनकी शादियों की करें तो अश्विनी ने पहली शादी रितेश पांडे से की, जिन्हें आपने कई टेलीविजन शोज में जरूर देखा होगा, पर इनके साथ किसी अननोन कारण की वजह से शादी ज्यादा दिन चल नहीं पाई और दोनों का डिवोर्स हो गया। पर कहते हैं ना कि कुछ चीजें शायद अच्छे के लिए ही होती हैं, क्योंकि अश्विनी ने दूसरी शादी जिससे की उसे आप सभी जानते हैं। वो एक बेहतरीन विलन और कमाल के पुलिस ऑफिसर का रोल करने के लिए जाने जाते हैं। अरे हम बात कर रहे हैं मृणाली शर्मा की। जी हाँ, दोनों को गोलमाल फिल्म के दौरान प्यार हुआ और फिर दोनों ने जीवन भर साथ रहने का फैसला कर लिया। नंबर 5 रेणुका सहाड़े। वैसे तो हम आपके हैं कौन में आपने इन्हें जरूर देखा होगा। इस फिल्म में अपने मासूम और बेहद मजबूत रोल से रेणुका सहाड़े ने ऑडियंस पर जो छाप छोड़ी थी ना, वो कमाल है और आज भी कायम है। अब केवल इसी फिल्म से ही नहीं बल्कि और भी कई फिल्मों में ये देखने को मिली है और इनकी पिछले कुछ सालों में कई फिल्में भी आई हैं, बस इतनी पॉपुलर नहीं हुई।
बात अगर इनकी मैरिड लाइफ की करें तो इन्होंने भी अपनी लाइफ में एक नहीं दो बार शादी की है। जी हाँ, इनकी पहली शादी एक मराठी थिएटर राइटर और डायरेक्टर से हुई थी, जो कुछ वजहों के चलते ज्यादा दिन नहीं चल सकी और दोनों ने जल्द ही शादी से छुटकारा पाने के लिए डिवोर्स ले लिया। इसके बाद रेणुका की मुलाकात हुई आशुतोष राणा से, जिनको तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, उनकी अदाकारी से तो हर कोई वाकिफ है। रेणुका और आशुतोष में कमाल का बॉन्ड है, जो एक समय में प्यार में बदल गया और दोनों ने शादी का इरादा कर लिया। फिलहाल दोनों के दो बेटे हैं और कपल अपनी शादी से काफी ज्यादा खुश हैं। नंबर 4, नीलिमा अजीम। बॉलीवुड को दो कमाल के एक्टर देने वाली नीलिमा अजीम के भी अपने समय में कोई कम चर्चे थोड़ ना थे। ये कमाल की एक्ट्रेस, क्लासिकल डांसर और राइटर रह चुकी हैं। इन्होंने अपनी शादियों के चलते ही कई कंट्रोवर्सीज झेली हैं। इन्होंने एक नहीं बल्कि तीन शादियां की। पहली शादी उन्होंने पंकज कपूर से की, जिससे शाहिद कपूर का जन्म हुआ, पर कुछ आपसी मनमुटाव के चलते शादी टूट गई, जिसके चलते ये काफी डिप्रेशन में रही, पर फैमिली के सपोर्ट से उन्होंने लाइफ को एक बार फिर से शुरू कर दिया। इसके बाद इन्होंने राजेश खट्टर से शादी की और इनसे भी इनका रिश्ता काफी अच्छा नहीं रहा, जिसके कारण इनसे भी नीलिमा का डिवोर्स हो गया। हालांकि इन दोनों का एक बेटा भी है, जिसका नाम ईशान खट्टर है, जो कि एक बहुत ही कमाल का एक्टर है। अपनी दूसरी शादी टूटने के बाद नीलिमा ने उस्ताद राजा अली खान से शादी रचाई। वैसे आपको बता दें कि सौतेले होने के बाद भी ईशान और शाहिद में काफी अच्छा बॉन्ड है और पूरा परिवार बड़े ही खुशी के साथ रहता है। नंबर 3, श्वेता तिवारी। अब बात करेंगे द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की, जिन्होंने जिस शो में कदम रखा उसकी टीआरपी आसमान छूने को तैयार हो गई। उन्होंने कभी हमें कसौटी जिंदगी की जैसे सीरियल में प्रेरणा बनकर, तो कभी परवरिश जैसे सीरियल में एक अच्छी माँ बनकर हमेशा एंटरटेन किया। श्वेता का करियर चाहे कितना ही हिट क्यों ना रहा हो, पर इनकी पर्सनल लाइफ में काफी इश्यूज रहे, जैसे इन्होंने एक नहीं दो शादी की और दोनों में ही इन्हें डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होना पड़ा, जिस वजह से ये अपनी दोनों शादियों से कोर्ट के चक्कर लगा लगा कर अलग हो गई। इनकी पहली शादी राजा चौधरी से हुई थी, जिनसे इनकी एक बेटी पलक तिवारी भी है। इसके बाद इनकी दूसरी शादी एक्टर अभिनव कोहली से हुई, जिनसे इनका एक बेटा रियांश है। हालांकि अभिनव के साथ ही इनका रिश्ता नहीं चल सका और दोनों अलग हो गए। बस तब से ही श्वेता एक सिंगल मदर बनकर अपना और अपने परिवार का ख्याल रखती है। नंबर 2, अर्चना पूरन सिंह। जानी मानी एक्ट्रेस और कॉमेडी क्वीन अर्चना पूरन सिंह का नाम भी इस लिस्ट में है। जी हाँ, एक्टर और डायरेक्टर परमीत सेठी से शादी करने से पहले अर्चना की एक शादी और हो चुकी है, जिसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। अर्चना ने आज तक उस एक्टर का नाम किसी को नहीं बताया, क्योंकि उनका मानना था कि इससे उनके करियर पर गलत असर पड़ेगा और साथ ही इससे उनकी शादीशुदा जिंदगी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। अर्चना अपने पहले डिवोर्स से इतनी ज्यादा निराश हो गई थी कि इन्होंने दोबारा शादी करने के बारे में एकदम सोचना बंद कर दिया, पर तभी इनके जीवन में परमीत सेठी की एंट्री हुई, जिन्होंने सबके खिलाफ जाकर अर्चना का साथ कभी नहीं छोड़ा। और तो और, उनके करियर के लिए पूरे 4 से 5 साल दोनों की शादी की खबर को मीडिया से दूर ही रखा। फिलहाल दोनों अपनी शादी से काफी खुश हैं और दोनों के दो प्यारे बेटे भी हैं। नंबर 1, किरण खेर। एक्ट्रेस किरण खेर अपनी खूबसूरती के लिए पहचानी जाती हैं और साथ ही बेहतरीन एक्ट्रेस तो हैं ही हैं। उन्होंने बॉलीवुड में काफी नाम कमाया और एक से बढ़कर एक मूवीज में काम किया। उन्होंने इंडियन सिनेमा और थिएटर दोनों में काफी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया और इनकी पर्सनल लाइफ में दो शादियों का दाग जुड़ चुका है। किरण खेर ने दूसरी शादी अनुपम खेर से रचाई और ये दोनों अपनी पहली शादी से पहले ही एक साथ थिएटर में काम करते थे, वहीं से काफी अच्छे दोस्त बन गए। पर किरण ने मुंबई आकर एक बिजनेसमैन गौतम से शादी कर ली और अनुपम खेर ने भी शादी कर ली, लेकिन तभी तकदीर को इनका अलग होना पसंद नहीं आया, जिसके बाद किरण और अनुपम दोनों का ही अपनी पहली शादी में कुछ खास ढंग का चल नहीं सका और तभी दोनों दोबारा एक थिएटर प्ले के लिए टकरा गए और तब अनुपम ने किरण को प्रपोज कर दिया, जिसके बाद दोनों ने अपनी पहली शादी से डिवोर्स लेकर खुशी खुशी शादी कर ली। किरण की पहली शादी से एक बेटा भी है, जिसे लोग सिकंदर खेर के नाम से भी जानते हैं। फिलहाल ये एक एक्टर है। तो देखा दोस्तों आपने, ये है कुछ हसीनाएं जिन्होंने अपनी लाइफ को एक और चांस दिया और दूसरी शादी करने का फैसला लिया। वैसे आपको वीडियो कैसा लगा नीचे हमें लाइक और कमेंट के जरिए जरूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए फिल्मी टॉक, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।